हेलो फ्रेंड, नवरात्र की आप लोग को बहुत वेरी वेरी शुभकामनाएं। आपकी नवरात्र अच्छी जाए, मैं यही कामना करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूं एक 32 इंची की एलसीडी टीवी जो हमारे पास बनने के लिए आई है। तो वो जो एलसीडी जो टीवी है उसमें मैंने बहुत कोशिश की बनाने के लिए, लेकिन उसकी मेन आईसी जो है वो जली हुई है। आइए आप लोग भी देख ले कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है और इसकी क्या सलूशन है। लाओ कैमरा यहाँ पर लाओ। देखिए दोस्तों, ये वाली ये तोशिबा की मॉडल की ये मदरबोर्ड है और ये हमारी पावर सप्लाई प्लस इन्वर्टर जो एक बैलेंस ट्रांसफार्मर के माध्यम से इतनी सीएफएल लाइट जो जला रही है। और इसमें मैंने ये क्रिस्टल जो क्रिस्टल ख़राब थी 27 मेगाहर्ट्ज़ की, मैंने वो ऑसिलोस्कोप की मदद से मैंने इसकी क्रिस्टल की मेगाहर्ट्ज़ देखे कि कम थी, तो इसको मैंने चेंज किया। और ये रोम की भी प्रॉब्लम थी तो पर भी ये मेरी सेट रेडी नहीं हुई, लेकिन ये सेट डेड है। तो इसकी पैनल की क्या पोजीशन है, ये कैसी है, तो इसके चेक करने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सर पैनल टेस्ट कैसे किया जाता है और इजी प्रोसेस क्या है, तो मैं सोचा कि आप लोग को ये बात ये भी इस पर वीडियो बनाकर मैं आपको थोड़ी सी सहायता कर दूं, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं कि आइए देखें इजी पैनली पैनल कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, जो कि पैनल हमारी ओके होने से ही हमारी सेट किसी भी तरह रेडी हो जाएगी। और मान के चलिए अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें ओके कर दी और लास्ट में मेरी पैनल ख़राब निकली, इसलिए कोई भी सेट करने से पहले दोस्तों आप पैनल की क्या पोजीशन है उसको टेस्ट कर लें। उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ये जंपर वाली बोर्ड लगेगी जो मैंने पैनल टेस्टर के लिए यूज करता हूं, और एक ये 12 वोल्ट एडेप्टर लगेगी। हालांकि मैंने इमरजेंसी में ये 12 वोल्ट एडेप्टर लगेगी कि चेक करने के लिए, बाकी मैं तो इस ए पावर सप्लाई से 12 वोल्ट ले सकता हूँ। और यहाँ पर लाइए, एक इसकी लेफ्ट राइट में आपको देख लेना होगा कि इसकी हमारी फ्यूज कहाँ पर है और इसकी कौन सी साइड में लेफ्ट है कि राइट है, ये फ्यूज के हिसाब से है। मेरे को एक LVDS केबिल लगेगी, इतनी सारी LVDS केबिल में मेरे को एक ही लगेगी। ये हमारी लेफ्ट साइड में इसकी यह ऐसे अगर मैं पकड़ूं तो लेफ्ट साइड होगी और ऐसे अगर मैं पकड़ूं तो राइट साइड होगी, यानी हमारी ये वाली LVDS केबिल लगेगी। चलिए इसको रख दें। देखिए मैंने इसको ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद यहाँ पर लाइए कैमरा लाइए। यहाँ पर देखिए मेरे को 3.3 वोल्ट प्रोसेसर को ऑन करने के लिए मिल रही है और मेरी 1.2 वोल्ट जो रैम की वोल्टेज आती है वो भी मेरे को मिल रही है, लेकिन मेरी सेट ओके नहीं हो रही है, यानी ये प्रोसेसर जो है वो बहुत हीट हो रही है। लेकिन प्रोसेसर को चेंज करने से पहले या बोर्ड चेंज करने से पहले मेरे को पैनल देखना है कि पैनल कैसी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्विच बंद करते रहते हैं और इसको कोई पावर सप्लाई को, क्योंकि पावर और प्लस इन्वर्टर एक कॉम्बो में है, इसको इसकी स्टैंड बाई जो है मेरे को रिलीज करनी होगी। स्टैंड बाई रिलीज करने से मेरे को 12 वोल्ट मिलेगी और बैक लाइट जलाने के लिए मेरे को उसकी सप्लाई देनी पड़ेगी जो 5 वोल्ट के करीब आसपास होती है। ऑसिलोस्कोप के थ्रू से हम इस सेट को साइड करें। मैंने पावर रिमूव कर चुका हूँ, रिमूव करने के बाद मैं ऑसिलोस्कोप ऑन कर रहा हूँ। आपको सुविधा हो ऑसिलोस्कोप से मैं दिखा सकूँ कि कहाँ पर क्या है, उससे आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो देखने में, क्योंकि ये छोटी छोटी मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जितनी छोटी छोटी लिखावट हो या कंपोनेंट हो मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बनाने में सहूलियत होगी। देखिए हमारी एक नंबर पिन दिख रही है ग्राउंड, ये 13 वोल्ट 2 और 3 13 है। ये 13 वोल्ट हमारी जो यहाँ पर जो पावर टीवी लिखी हुई है ये रिलीज, ये इस पर अगर मैं इसको ऑन करूँ या इस पर मैं 5.5 वोल्ट दूँ या 3.3 वोल्ट दूँ या 4.7 वोल्ट दूँ, यानी 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक इसके बीच में देने से ये हमारी 13 वोल्ट सप्लाई हो जो रिलीज होगी।
और यहाँ पर मैं बी एल ऑन है, यहाँ पर मैं 3.3 से लेकर 5 वोल्ट देने से मेरी बैक लाइट ऑन होगी, और बाकी ये सब डीम है या स्टेटस है, इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है हमारी बैक लाइट ऑन करने के लिए, लेकिन ये डीम हमारी सोनी टीवी पे ज़रूर पड़ती है, जो सोनी टीवी में एक देने से बैक लाइट वो नहीं जलती है, इसके लिए दो देनी पड़ती है, या डीम दीजिए या PWM दीजिए। देखिए हमने हमने यहाँ पर 5 वोल्ट कहाँ पर देखी थी, 5 या 6, मैं 5 या 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी मैं 5 नंबर से लूँगा, 5 नंबर से लेकर मेरी पावर टीवी 8 नंबर पिन पे है, तो मेरी 8 नंबर पिन हुई आपकी, इसको ठीक कर दूँ मैं जो आपको दिखा सकूँ, ये देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5-6 होगी हमारी 5 वोल्ट, जो मैंने जो इस पे 5 वोल्ट दिए, 5 वोल्ट पे मैंने 22 ओम्स की रेजिस्टेंस दिए, और 6 हुआ, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 है हमारी पावर ऑन की है, तो मैंने इस पे पावर ऑन पे मैंने इसको देखिए टच हो गई, अब टच नहीं हुई, मैंने इसको दे दी, और एक रहा 22 ओम्स रेजिस्टेंस, दोबारा मैं बैक लाइट ऑन करने के लिए मैं फिर वही 5 या 6 में मैंने दे दिया 22 ओम्स की रेजिस्टेंस, और मैं उसको दे दिया यहाँ पर 8, 9, 10 नंबर पिन पे, यानी मेरी यहाँ पर हुई 10 नंबर पिन ग्राउंड है हमारी, 11 नंबर पिन पे मैंने दे दिया इसको, 11 नंबर पिन पे देने के बाद मैं इसको मैंने देकर इसको लाइन दिया, लाइन देने के बाद देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर 12.7 यानी 13 वोल्ट के करीब आसपास ये रिलीज हो गई, इस पिन पर मेरे को 12 वोल्ट मिल गई, जो कि मैं अगर दूसरी वाली बोर्ड भी अगर डालूं इसमें तो ये बोर्ड यहाँ से मैं सप्लाई ले सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दिखाओ कैमरा यहाँ पर या मीटर पर दिखाइए, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट हमारी रिलीज हो गई, ठीक है। अब हमको इसको ये हमारी 12 वोल्ट रिलीज होने लगा, तो ये इन्वर्टर जल रही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग ये यूज करके हम देख लेंगे, ये हमारी अपनी बनाई हुई है जो कि मैं इससे चेक करता हूँ, क्योंकि बार बार मैं वो पैनल में लगा कर फिर खोलना वो बहुत दिक्कत होता है, इससे मेरे समय की बचत होता है, और मैं कहीं पर भी पावर को ऑन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि हाँ हमारी इन्वर्टर बोर्ड ओके है, पैनल की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग इसको अपना जोड़ लिए, ACCFL लाइट है जो मैं ईजी के लिए करता हूँ, यही सब टिक्स मैं अपने ट्रेनिंग में हर स्टूडेंट को देता हूँ, और मैं प्रैक्टिकली देता हूँ, थ्योरी में नहीं देता हूँ, जो हमारी ट्रेनिंग में होती है। 3 वायर हो गए, 3 के बाद देखिए दोस्तों मैंने ये सब कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन करके मैंने देखा, ये देखिए हमारी इन्वर्टर भी ओके होगी, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन मोड में चली जा रही है। देखिए दोस्तों ये मैंने CFL लाइट जला लिया, इससे क्या हुआ कि हमारी पावर जो प्रोटेक्शन मोड में गई थी वो मेरी वायर जो थोड़ी रॉन्ग लग गई थी, ये यहाँ पर देने पड़ती, इसीलिए इन्वर्टर प्रोटेक्शन मोड में चली गई थी। मैंने इसकी 12 वोल्ट को ऑन कर दी, इन्वर्टर को ऑन कर दिया, ऑन करने से ये हमारी CCFL वाल्व जल गई, यानी मेरी ये पावर इन्वर्टर दोनों ओके हैं। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपने पैनल पर कि हमारी बैकलाइट जल रही है कि नहीं, और उसके बाद देखेंगे कि हमारी पैनल कहीं से क्रैक है कि नहीं। देखिए हमारी पैनल बैकलाइट जली, यहाँ पर लाओ कैमरा थोड़ा नहीं दिख रहा, ये देखिए ये देखिए हॉल में, ये हॉल में देखिए हमारी बैकलाइट ये जल रही है, यानी अब मैं हम देख लें हमारी पैनल कहीं से क्रैक है कि नहीं, दिखाइए यहाँ पर दिखाइए,
नहीं, पैनल हमारी ठीक है, अब आ जाए मैं पैनल चेक करने के लिए। इसकी रेजुलेशन मैं जानता हूँ, ये 1366x768 है और ये हमारी इस टाइप माने लेफ्ट राइट जो वोल्टेज होती है हमारी इस तरफ में फ्यूज है। अगर आपको रेजुलेशन और कितनी वोल्ट की पैनल है, अगर आपको थ्योरी अगर जानकारी लेनी हो, ये तो मैंने प्रैक्टिकल में जानता हूँ तो मैंने बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पर आइए, कंप्यूटर पर आइएगा, यहाँ पर आपको जाना होगी, आपको PDA डेटा शीट PDA.com, यहाँ पर आप अगर पैनल लिखेंगे इसकी पैनल क्या है, इधर इधर लाइए, देखिए इसकी पैनल है T315XW03V. ये आप अच्छी तरह से क्लियर देख लीजिए, इसको PDF डेटा शीट पर आप इसको देख सकते हैं कि कितने वोल्ट की पैनल है और कितने रेजुलेशन पर ही वर्क करती है। पर दिखाइए, देखिए मैंने इन्वर्टर को तो डायरेक्ट ऑन कर दिया, मेरे को अभी सप्लाई नहीं देखनी, मेरे को पैनल चेक करनी है, जो कि आपको इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ। आपने पैनल टेस्टर वाली इसको टेस्ट पैनल टेस्टर बना सकते हैं, जंपर वाली बोर्ड को। LVDS केबिल लिए आपने, यहाँ पर रेजुलेशन मैच कर लिए, ABCDEFG तक है रेजुलेशन, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है बैक साइड में कितने की लगेगी। यहाँ पर जो AB है ये 6 बिट और 8 बिट के कुछ होती है, जो कि हमारी मैपिंग की प्रॉब्लम आने से ये जैक को इधर उधर करना पड़ता है। फिर हमारी पैनल कितनी वोल्ट के हैं, यहाँ पर मैंने इसको मैच कर लिया, मैच करने के बाद मैं 12 वोल्ट के अडेप्टर से अपने अलग से सप्लाई से मैंने इसको चेक कर सकता हूँ। बाकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ओरिजिनल मदरबोर्ड की सप्लाई ले सकता हूँ, तो इसको भी मेरे को एक लाइन देनी पड़ेगी और ये हमारी 12 वोल्ट की पैनल को भी जलाने के लिए जंपर वाली बोर्ड को, दोनों को मैंने लाइन दे दी। चलिए चलिए मैंने दोनों को लाइन दे दिया, दोनों को लाइन देने के बाद मैं इसको उठाऊँ, देखे क्या पोजीशन है। देखिए दोस्तों हमारी ये पैनल ओके है, ये बहुत इजी प्रोसेस है पैनल चेक करने के लिए। आप लोग पहले पैनल को चेक करिए, पैनल को चेक करने के बाद पैनल अगर अच्छी रही तब आप उसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बाकी आपने सब चीज़ बना दिया, अब बना देने के बाद अगर पैनल खराब निकली तो आपकी मेहनत भी जाएगी और समय भी जाएगी, दोनों तरफ से आपको नुकसान होगा। और ये अब वीडियो में आपको बना रहा हूँ आप लोग की वजह से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फ़ोन आ गए हैं कि एक पैनल कैसे टेस्ट किया जाता है, इजी प्रोसेस बताइए सर। तो मैंने इसमें क्या देखा कि मैंने एक बना के रखा हूँ, जो कि आप पावर सप्लाई खोल कर अपने वर्कशॉप पे भी लाकर इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ड्राइवर बोर्ड ओके है कि नहीं। हालांकि मैं इसमें ये वाली एंड्रॉयड बोर्ड को फिटिंग करूँगा, ये वाली स्मार्ट बोर्ड को मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा, जो कि पैनल ओके है। तो मेरी कस्टमर से बात हो गई है, उन्होंने बोले कि मेरे को स्मार्ट बोर्ड लगा दो, क्योंकि इसकी ओरिजिनल बोर्ड मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो सेकेंड हैंड उस बोर्ड की कीमत यहाँ पर 2500 रुपये बोल रहे हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। दोस्तों हमारी ट्रेनिंग मुंबई में फिक्स हो गई है, जो मुंबई में 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक होने वाली है, और इसी महीने कलकत्ते में हमारी ट्रेनिंग भी फिक्स हुई है, जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होने वाली है। और मैं 10 ही बंदे को ट्रेनिंग देता हूँ, 10 से ज़्यादा को नहीं देता हूँ, और वो भी मैं हाईटेक प्रैक्टिकल पे ही देता हूँ। तो हमारे फ़ोन नंबर आप अगर नोट करना चाहते हैं, या व्हाट्सएप नंबर, तो दोनों फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर हमारा एक ही है, आप वो नोट कर सकते हैं, 9874622670। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और फ़ोन नंबर भी यही है, और अगर आपको हमारे पास फ़ोन करना हो तो ट्रेनिंग पर्पस ही फ़ोन करिएगा, कृपया मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। और हमारी फ़ोन नंबर यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो आप सिपन कुमार को भी फ़ोन कर सकते हैं, उनसे अगर हमसे कांटेक्ट नहीं हुई तो आप सिपन कुमार से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग मुंबई में है और कलकत्ते में है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग उड़ीसा के भद्रक में है, जो कि 20 नवंबर के करीब में है, 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्ते।